मैं सिल्क हूँ सिल्क, कोई फिल्म नहीं जो इंटरवल के बाद बदल जाओ। विजयालक्ष्मी वाडलापति, जिन्हें उनके स्टेज नाम सिल्क स्मिता के नाम से जाना जाता है, भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी जो मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करती थी। ये फिल्म उद्योग में पहली बार 1979 में बनी तमिल फिल्म वंदीचक्करम में एक छोटे से किरदार के रूप में दिखाई दी, जिसमें उनके किरदार का नाम सिल्क था। सिल्क का जन्म 2 दिसंबर 1960 को आंध्र प्रदेश के एलुरु में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनका असली नाम विजयलक्ष्मी वडलापति था। सिल्क का परिवार बेहद गरीब था, इसलिए पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई और बचपन घर के चूल्हे चौके में ही बीता। सिल्क को बचपन से ही फिल्में बहुत लुभाती थी। वह हमेशा से ही एक्ट्रेस बनने का ख्वाब देखती थी। सांवला रंग और नशीले नैनों की मल्लिका विजयलक्ष्मी की आंखों में यहीं से ग्लैमर के आसमान पर सितारे की तरह चमकने के सपने पलने शुरू हो गए। वह प्रोड्यूसर से दोस्ती करने लगी। दोस्ती और उसका जज्बा रंग लाया। 1979 में मलयालम फिल्म इनाय थेरी में पहली बार लोगों ने पर्दे पर एक ऐसी लड़की देखी जो गोरी नहीं थी, छरहरी नहीं थी, अदाओं में शराफत नहीं थी, आंखें आम लड़कियों की तरह शर्म से झुकती नहीं थी। उस आदमी को अवार्ड देना चाहता हूँ जिसने सिल्क को अवार्ड देने का सोचा। ये तो घटिया है ही, इसे अवार्ड देने वाले उससे भी ज्यादा घटिया है। लेकिन भाई साहब, आप है कौन? इब्राहिम, डायरेक्टर। बहुत दिनों बाद दिखाई दी। थोड़ी समझ आ गई है, कहां देखूं कहां नहीं। बड़ी जल्दी पर निकल आए तुम्हारे, तुम्हारी जैसी बहुत सी आई और चली गई। मैं जाने के लिए नहीं आई हूँ। देखो, मैं ऊपर हूँ और सब नीचे। तुम्हें क्या लगता है जो नीचे हैं वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं? वो हंस रहे हैं तुम पे, वो सब जानते हैं तुम हम में से नहीं हो। तुम हमारी रातों का वो राज हो जिसे दिन में कोई नहीं खोलता। यू आर आर डर्टी सीक्रेट। अरे थैंक यू तो बोलती जाओ। समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। शुरू से शुरू करूंगी तो मां बुरा मान जाएगी। आज की बात की तो आप लोग बुरा मान जाओगे। क्योंकि आज मैं रुकने वाली हूं नहीं। सबकी दाएं तरफ की आंख फड़क रही है और बाएं तरफ से दिल की मैं क्या बोलने वाली हूं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहां इस चींटी को पहाड़ पे चढ़ा दिया। कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है, मेरा बदनाम होकर हुआ है। वल्गर, घटिया, सेक्सी, डर्टी, क्या क्या बोला मेरे बारे में। अपनी फिल्म को टेक ऑफ करवाने के लिए मुझे बोर्डिंग पास की तरह यूज किया। फिर भी वल्गर मैं हूं। डांस करवाया आपने, मगर न किसी ने मेरी मेहनत देखी न लगन। सब कुछ और ही देख रहे थे। और घटिया मैं हूं, सेक्सी हूं। फैमिली के साथ मेरी फिल्म्स देख नहीं सकते, पर छुप छुप के देखकर धड़ाके से फैमिली बढ़ाते जा रहे हैं। अभी 4 बटन खोल दिए तो सबके पसीने छूट जाएंगे। पर डरो मत, मैं जा रही हूं, क्योंकि मेरे अलावा सब शरीफ है यहां। वैसे आप लोगों के शराफत का भी जवाब नहीं। सेक्स पर फिल्म्स बनाते भी हैं, बेचते भी हैं, देखते भी हैं, दिखाते भी हैं, अवार्ड भी देते हैं, पर अपनाने से डरते हैं। ना आप बदलोगे ना मैं। आप इसी तरह अपने शराफत का चोला पहने रहिए और मैं कपड़े उतारती जाऊंगी। मैं अपने डर्टी पिक्चर्स बनाती जाऊंगी और लोगों को अपनी डर्टी पिक्चर्स दिखाती जाऊंगी।